नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से आ रही है समलैंगिक विवाह को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है समलैंगिक विवाह पर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार कमेटी बना सकती है समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं। समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला, सरकार कमेटी बना सकती है, यह जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण, क्या माना जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, क्या गेंद केंद्र के पाले में? बिल्कुल, गेंद केंद्र के पाले में है। साथ ही साथ ये समझना पड़ेगा कि सरकार ने जो एक मुख्य बात रखी थी कि हो सकता है कि कुछ लोग चाहते हो कि ऐसी शादी को मान्यता दी जाए, लेकिन जो बहुमत है या जो बड़ी संख्या है वो उसको स्वीकार नहीं कर सकता। और शादी एक पवित्र बंधन है भारतीय समाज में, तो उस बात को कहीं ना कहीं कोर्ट ने माना है और कहा है कि ठीक है, जो कानूनी अधिकार दूसरे दिए जा सकते हैं उस पर विचार करने के लिए, जैसा सरकार कह रही थी कि कमेटी बनाना चाहती है, वो कमेटी सरकार बनाए, लेकिन हम शादी को मान्यता नहीं दे सकते। साथ ही साथ बच्चा गोद लेने का अधिकार भी ऐसे जोड़ों को नहीं दिया जा सकता है। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट के बहुमत के फैसले में निकलकर सामने आई है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार से पक्ष मांगा था और कुल मिलाकर जो केंद्र की तरफ से अपना पक्ष रखा गया था, क्या माना जाए जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, काफी हद तक उसी से प्रभावित नजर आता है? बिल्कुल, उससे प्रभावित नजर आता है। और केंद्र ने पुरजोर विरोध किया था। केंद्र ने कहा था कि अगर कुछ चिंताएं हैं, जैसे कि अगर समलैंगिक जोड़ा कोई है वो अपने अकाउंट में नॉमिनी बनाना चाहता है अपने पार्टनर को, या पेंशन में, ग्रेच्युटी में, किसी दूसरी सुविधा में हिस्सा देना चाहता है, कोई मेडिकल जरूरत है, वहां पर समलैंगिक पार्टनर फैसला नहीं ले सकता क्योंकि उसको परिवार का सदस्य नहीं मानते। ऐसी तमाम चिंताओं को दूर करने के लिए कमेटी बना सकते हैं, लेकिन शादी एक पवित्र गठबंधन है भारतीय समाज में और बहुमत इसे स्वीकार नहीं कर पाएगा कि शादी का दर्जा दे दिया जाए ऐसे संबंधों को। तो साफ तौर पर कोर्ट का फैसला इससे प्रभावित नजर आता है और कोर्ट ने भी यही बात कही है कि कानूनी अधिकार देने पर विचार हो, लेकिन शादी का दर्जा हम नहीं दे सकते। बहुत शुक्रिया आपका निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो समलैंगिक समुदाय से जुड़े हुए लोग जो सुप्रीम कोर्ट को बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे थे, बड़ा झटका उनको लगा है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और केंद्र के पाले में एक तरीके से अब ये पूरा मामला पहुंच चुका है, ये कहते हुए कि साहब केंद्र अगर चाहे तो इस मामले में कमेटी बनाकर आगे फैसला ले। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।